Hello everyone, this is Shikha Singh and today we are here to clear some of the basic concepts about school management. So before beginning with the meaning of school management, we will go through the basic meaning about management. So as we know, the management is a very comprehensive term. Management means the act of getting people together to accomplish desired certain goals. मतलब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसी एक्ट होती है, ऐसा काम होता है जिसके अंदर सारे लोगों को हम एक साथ लाते हैं. किस लिए? अपने कुछ डिजायर्ड गोल्स जो हमने गोल्स निर्धारित किए हैं, उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उनकी पूर्ति के लिए. अब अगर हम बात करें स्कूल मैनेजमेंट की, स्कूल मैनेजमेंट मीन्स रनिंग द स्कूल अलॉन्ग द डिजायर्ड एजुकेशनल पॉलिसीज. स्कूल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? स्कूल मैनेजमेंट का मतलब होता है स्कूल को उस तरह से चलाना जिस तरह से हमने कुछ एजुकेशनल पॉलिसीज पहले से बनाई हुई हैं. इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कूल विच एस्पेक्ट्स पॉलिसीज मटेरियल ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोग्राम्स एक्टिविटीज इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा एंड इंटीग्रेट्स देम इनटू अ फ्रूटफुल होल. मतलब मैनेजमेंट का काम क्या होता है या स्कूल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ लाना, स्कूल से रिलेटेड कौन कौन से एस्पेक्ट्स, पॉलिसीज मटेरियल ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोग्राम एक्टिविटीज़ और इक्विपमेंट्स, और इन सबको एक साथ ला के क्या करना? अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए या एजुकेशनल पॉलिसीज जो हमने निर्धारित करी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग स्कूल चलाने के लिए काम करना. बेसिकली स्कूल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ स्कूल. Now, if we talk about the concept of school management system is a large database system and can be used for managing any school's day-to-day business. It is the process of planning, organizing, directing and controlling the activities of an institution, utilizing human and material resources. मतलब मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं, ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं जिसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं. किनकी? एक्टिविटीज़ की, उन सारी एक्टिविटीज़ की, इंस्टीट्यूशन के, जिनके अंदर हम ऐसा काम करने वाले हैं जिससे हमारे जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं स्कूल की निर्धारित करी हुई उनकी पूर्ति हो सके या उसके अकॉर्डिंग स्कूल हमारा चल सके. उसके बाद अगर हम बात करें एम्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य होते हैं, विद्यालय प्रबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं, उनके बारे में जानेंगे. The following are the aims and objectives of school management. What kind of aims? To reflect and conserve basic values. यानी बच्चों के अंदर या जो भी हमारे स्कूल के अंदर resources हैं, चाहे वो staff हो, चाहे वो हमारे supervisors हो, चाहे हमारे students हो, जितने भी लोग involve होंगे उन सब के लिए, उन सब के अंदर जो हमारे basic values होते हैं वो reflect कराना और उनको conserve करना. Second है आपका to carry out educational futures को आगे बढ़ाना. To manage social change, to profit by experience, to carry out modernization. Modernization का मतलब होता है आधुनिकता, आधुनिकता को आगे बढ़ाना या आधुनिकता को आगे लेके जाना. To propagate science, to adapt technology, to realize national integration, to form character and values. Next, if we talk about the characteristics of school management या अच्छे स्कूल प्रबंधन के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए. पहला है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड. स्कूल मैनेजमेंट हमारा क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, उसके अंदर एक उद्देश्य होना चाहिए. इट मीन्स टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड स्कूलिंग. कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति होती है इसके अंदर? एजुकेशन और स्कूलिंग से रिलेटेड जितने भी उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति होती है विद्यालय प्रबंधन के अंदर. नेक्स्ट है आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. अच्छा स्कूल प्रबंधन क्या करता है? अच्छा स्कूल प्रबंधन काम करता है कि जो भी उसके अंदर क्वालिटीज़ हो रही हैं, जो भी स्कूल की क्वालिटीज़ होंगी वो अच्छी तरीके से मेंटेन हो, अच्छी स्कूल के अंदर क्वालिटीज़ हो. गुड स्कूल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बीइंग गिवन इन स्कूल्स. नेक्स्ट इज द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज. अब जितनी भी रिसोर्सेज हमारे स्कूल के अंदर अवेलेबल हैं या हम उनको अटेन करेंगे, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, अच्छी तरीके से उनको उपयोग में लाना. जॉइंट एंटरप्राइज. जॉइंट एंटरप्राइज की अगर हम बात करें, इट इन्वॉल्व्स द जॉइंट एंटरप्राइज ऑफ ऑल द पर्सनल कनेक्टेड विद द स्कूल, टीचर्स, सुपरवाइजर्स, पीपल्स, पेरेंट्स एक्सेट्रा. देन प्रोफेशनल ग्रोथ. प्रोफेशनल ग्रोथ किसकी होगी इसमें? जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वॉल्व है, यानी कि टीचर्स एंड सुपरवाइजर्स, इनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए काम करता है हमारा स्कूल मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज कम्युनिटी ओरिएंटेड. कम्युनिटी ओरिएंटेड इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें एक सोशल गैदरिंग क्या होती है? इन्वॉल्व होती है. कम्युनिटी पूरी हमारी इसमें ओरिएंट होती है, एक साथ आके काम करती है, ग्रुप ऑफ पीपल. इट इज़ अलाइव टू सोशल नीड्स
and requirement as the school is meant to serve the society as a whole. Next is efficiency and improvement. It tries to bring out overall improvement and efficiency in the school. Next is continuous process. It is a continuous process. It always concerned with the improvement and development of the institution, and it goes on consistently. Next topic is scope of school management. अब school management का scope क्या होता है, क्या क्या area होता है, कैसे वो विस्तृत होता है, इसके बारे में जानेंगे. Anything done to improve the quality of education at any stage may be ranging from the supply of material, human and financial resources to the highest cultural or academic needs comes under the scope of educational management. This scope of school management is very vast. It includes everything regarding the efficient functioning of the educational institution, securing the greatest benefit to the greatest number through an adoption of practical measures. Now, we shall consider the scope of school management under the following heads. What heads? Goal development. Goal development ki agar hum baat kare, society is in a constant process of change. Needs of the society change and so do the goal specifications. Society ke andar kya hota hai? Society ke andar nirantar cheeze kya hoti hain? Badalti rehti hain. Society ki needs badalti rehti hain, uski avashyaktaen change hoti rehti hain aur usi tarah se uske goals bhi change hote rehte hain. It is necessary for the educative process to do the to be responsive to these changing expectations, and it is through the educational management system that persons involved in the process of management can continuously examine, evaluate and change if appropriate the goals of education. So, school management ke andar bhi kya hota hai, agar society ki needs badal rahi hai to usi tarah se school management ka kaam bhi kya hoga, apne goals ko nirdharit karna aur zarurat padne mein uski गोल्स को चेंज करते रहना. किसके अकॉर्डिंग? सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग. सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज प्रोग्राम प्लानिंग एंड एक्चुअलाइजेशन. प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ सेट ऑफ डिसीजंस फॉर एक्शन इन द फ्यूचर एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स रियलाइजिंग सम गोल्स बाय द बेस्ट पॉसिबल मीन्स. प्लानिंग का काम क्या होता है? प्लानिंग ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसके अंदर हम एक सेट ऑफ डिसीजंस बनाते हैं, कुछ डिसीजंस निर्धारित करते हैं जो किसके लिए काम करते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं बेसिकली. वो इसलिए काम करते हैं कि जो हमारे आगे के गोल्स हमने जो निर्धारित किए हैं उनकी पूर्ति कैसे की जाए. प्रोग्राम प्लानिंग इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स, असेसमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्राम. प्रोग्राम प्लानिंग के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं. कुछ कौन से स्टेप्स होते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम. पहले जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही है. फिर हम क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स. उस प्रॉब्लम के क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, कुछ डिजायर्ड आउटकम्स को सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद असेसमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. अब उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका असेसमेंट करेंगे. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन. उसके बाद उन्हीं रिसोर्सेज का हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. देन वी विल इवेलुएट द प्रोग्राम. जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसके बाद उसका हम लास्ट में इवेल्युएशन करेंगे. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. इफ कन्वेंशनल बायसेस एंड प्रीजुडाइसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय डिसीजंस मेड लॉजिकली एंड साइंटिफिकली विद द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एज द ओनली कंसिडरेशन, मॉडर्न प्रिंसिपल्स and techniques of organization will provide a basis for effective distribution and coordination of functions. अगर हम जो पहले से रूढ़िवादी हमारे जो बायसेस बने हुए हैं या पहले से जो चीज़ें होती चली आ रही हैं उनसे अलग हट के सोचेंगे और लॉजिकली सोचेंगे और फिर उसके ऊपर कुछ डिसीजंस लेंगे तो क्या होगा? चीज़ें जो पहले से सेट होती आ रही हैं, जो बिगड़ती आ रही हैं, उस पर हम सोल्यूशन पा सकते हैं, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं. यही होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम, यानी चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना. जो चेंजेस होने हैं, जो उसमें स्पेसिफिकेशंस होनी है, जो कोऑर्डिनेशन उसमें लाना है इफेक्टिवली, एफिशिएंसली, एफिशिएंटली चीज़ों को अचीव करने के लिए, वो हम उसमें ला सकें. ये होता है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू.